24 में भाजपा सरकार नहीं आने वाली है, ये बात की गारंटी है। सारी चीजें आप अडानी और अंबानी को ही दे दो, बात खत्म। नौकरी जब लेंगे, जब रोजगार निकालेंगे। योग्यता सब में है, पर नौकरी निकालेगा तभी तो होगा। वॉशिंग मशीन साथ लेके घूम रहे हैं, कांग्रेस में से आओ मंत्री बना देते हमने। आपको किसी चीज में बांट दिया गया कि आप इस चीज को देख लो और हम तो आपके लिए कर रहे हैं यहाँ पे। कभी कुछ कह दो, कभी किसी का नाम ले दो, किसी भगवान का नाम ले दो, कुछ ले दो, इस चक्कर में बांट दिया लोगों को। इंडिया को इतना बुरा हाल इन्होंने बना दिया है। मैं इन सबसे बोलूंगी, आप बेशक मोदी को वोट दो, किसी को भी दो, लेकिन आप अपने आपस में जो भाईचारा है ना, आज जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, अगर वो किसी अदर कास्ट के हैं, उनको ये लगने लगा है कि हमारा कहीं वजूद नहीं है। क्यों अभी, अरे वो हमारे हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ बचपन से पढ़ाई है, हमारे साथ इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, उनको ये गिल्टी फील होने लगा है। क्योंकि हर लोग बोलेगा कुछ भी आगे, जय श्री राम, जय हनुमान, लेकिन उनका भी तो सोचो ना जो यहाँ पर रहे हैं, एक ही चीज़ को क्यों सोच रहे हो आप लोग, इसलिए उनको बुरा लगने लगा है। तो मैं तो नहीं चाहूँगी जो मेरे साथ मेरा दोस्त है, मेरी सहेलियाँ हैं, वो इस तरह का अपमान झेले, लेकिन इस बात से वो अपमान झेल रहे हैं जब इस तरह की हरकत होती है। तो इंडिया को इस तरह मत बांटो, इंडिया में एक साथ रहो, एक जैसा रहो, कोई नेता आएगा जाएगा, लेकिन हम लोगों को तो यही रहना ना हर चीज। आपके 56 इंच के सीने से मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे तो पेट्रोल पंप नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, इसको रोजगार चाहिए, इसके बच्चे के स्कूल की फीस सस्ती चाहिए, इसको हॉस्पिटल में दवाई चाहिए। सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर हम अडानी अंबानी को चुन रहे हैं तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? क्यों हम वोट दे रहे हैं? क्यों हम राज्यसभा बना रहे हैं? क्यों हम लोकसभा बना रहे हैं? क्यों हमने पार्लियामेंट बना दिया? फिर फायदा क्या है? अडानी अंबानी नौकरी दे रहे हैं, इनसे पूछिए कितने पैसे की नौकरी दे रहे हैं वो। जो सरकार को नौकरी देनी चाहिए, सुविधा देनी चाहिए, क्या मेडिकल सुविधा दे रहे हैं वो? एक मिनट चुप रहिए अभी आप। तो क्या मेडिकल सुविधा दे रहे हैं? क्या बच्चों स्कूल में पढ़ पा रहे हैं? अडानी अंबानी के बच्चे देखो कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, और हमारे जो मतलब आम आदमी के बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए? सारी चीजें आप अडानी और अंबानी को ही दे दो, बात खत्म। नौकरी वही दे देंगे, नौकरी भी वही देंगे, सब कुछ वही देंगे, फिर ना तो फिर हमें को टेंशन ना फिर इन भाइयों को। इनको इतनी अकल नहीं है कि सरकारी नौकरी अगर आपको मिलेगी तो आपको कितनी सुविधा मिलेगी, लेकिन अडानी अंबानी की आप नौकरी करोगे ना तो आपके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। वो मजबूरी है करना, उसको कहते हैं मजबूरी या फिर मजदूरी करना। नाम बदल दो, रोड का नाम बदलने से इनका विकास हो जाएगा, इसको रोजगार मिल जाएगा, इसको शिक्षा मिल जाएगी। नौकरी जब लेंगे, जब रोजगार निकालेंगे। योग्यता सब में है, पर नौकरी निकालेगा तभी तो होगा। मोदी जी के पास से जितने भी मैंने एग्जाम दिए, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। वॉशिंग मशीन साथ लेके घूम रहे हैं, कांग्रेस में से आओ मंत्री बना देते होंगे। टेंडर की बात कर रहे हैं ना, हमने टेंडर भरा, मैंने बहुत चीजों का टेंडर भरा, जैसे छोटी छोटी बाइंडिंग की बुक हो गई, लाइब्रेरी की हो गई, आज तक नहीं मिला। सिर्फ उस बंदे को मिलता है जिसका पहले से नाम वहाँ पर होता है, ऐसे नहीं मिलते टेंडर। कि ये सोच रहे कि टेंडर भरो, टेंडर भर के देखो भाई साहब, टेंडर बस की लेना किसके? अडानी अंबानी के। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार जो है सड़क पे ये बता रही है ये हिंदू है मुसलमान है, बस ऑल इन वन पॉइंट प्रोग्राम। 24 में भाजपा सरकार नहीं आने वाली है, ये बात की गारंटी।